नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और आपका जो है यूबी एकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो है अभी यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ का पेपर वन पढ़ेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमारा अभी जो चल रहा है मार्च से लेकर जून 2023 तक आपका डेली एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस चलेगा। ठीक है, और हर दिन आपको जो है 100+ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 100+ आपको क्वेश्चन मिलेंगे हर दिन। ठीक है, तो जो कि हमारा जो टारगेट है वो आपको है पेपर वन में 80+ लाने का। ठीक है, तो आपको जो भी स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं उनका जो है 80+ लाने का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, ताकि आप आराम से जाकर क्वालिफाइड कर लें। ठीक है, तो देखिए इसमें हम जो है आपका अभी जो सेट आएगा सेट नंबर, ठीक है, उसमें आपका 100 क्वेश्चन होंगे और आपका मार्च महीने में। ठीक है, तो मार्च महीने का आपका जो सेट नंबर 11 होगा। ठीक है, तो मार्च महीने का सेट नंबर 11 है ये। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका जो है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आपका जो इन्वायरमेंट चल रहा है चैप्टर, ठीक है, उसी का हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें आपका ये जो आपका केवीएस मदान किताब है, ठीक है, तो केवीएस मदान किताब जो है उसी से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका किताब जो है 2021 एडिशन का है। ठीक है, और इसी का क्वेश्चन है, इसमें आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से 400 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो हमने कल इसका पहला पार्ट पढ़ लिया था, आज हमारा सेकंड पार्ट होगा, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट होगा। ठीक है, हमने 1 से 100 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हम 101 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को और भी क्वेश्चंस और भी वीडियो देखने, तो ठीक है, तो यूवी एकेडमी के आप चले जाइए प्ले लिस्ट में, आपको वहाँ पर जो है लगभग 60 वीडियो, ठीक है, तो 60 वीडियो आपको मिल जाएंगे और हर वीडियो में लगभग आपका 50 से 100 क्वेश्चन होगा, तो लगभग आपके जो है अप्रॉक्स 5000 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए आपका ये प्ले लिस्ट में इस प्रकार आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इस पर खोज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेट नंबर 2, सेट नंबर 11 इन्वायरमेंट का। ठीक है, केवीएस मदान किताब। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ, ऑप्शन नंबर सी कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो दोनों आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, 102 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बर्निंग फॉसिल फ्यूल एट हाई टेम्परेचर। तो व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड कार्बन ऑक्साइड, द बर्निंग फॉसिल फ्यूल एट हाई टेम्परेचर। 103 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई इज ए फोटोकेमिकल, तो व्हाई इज फोटोकेमिकल स्मॉग टाइपिकली वर्स इन द समर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, देयर इज मोर सोलर एनर्जी टू ड्राइव फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो वाई इज फोटो केमिकल स्मोक टाइपिकली वर्स इन समर, तो देयर इज मोर सोलर एनर्जी टू ड्राइव फोटो केमिकल रिएक्शन। 104 नंबर है, हाउ डज फोटो केमिकल स्मोक फॉर्म, तो आपका फोटो केमिकल स्मोक कैसे किस तरह फॉर्म करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, रिएक्शन अकरिंग बिटवीन सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट एंड सनलाइट। ठीक है, इस प्रकार आपका जो फोटो केमिकल स्मोक जो है आपका बनता है। ठीक है, 105 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रिमूवल ऑफ सल्फर कोल सल्फर फ्रॉम कोल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, तो रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम कोल। 106 में क्वेश्चन है, एयर पॉल्यूशन इज एन, तो एयर पॉल्यूशन इज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्री ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑल ऑफ द अबव, तो बर्निंग ऑफ मोर कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, चेंजिंग लाइफ स्टाइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपका ये तीनों सही है, तो एयर पॉल्यूशन इज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्री ड्यू टू बर्निंग ऑफ मोर कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, चेंजिंग लाइफ स्टाइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। 107 में क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो क्वालिटी ऑफ रिसोर्स नॉट डिग्रेडेड ड्यू टू पॉल्यूशन इज ऑप्शन बी, सन अप। ठीक है, 108 नंबर है, द मेन सोर्स ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज ऑप्शन बी, सीवेज वाटर। ठीक है, 109 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टीमेटली कॉजेज ऑक्सीजन डिप्लेशन इन वाटर बॉडी, तो ऑप्शन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टीमेटली कॉजेज ऑक्सीजन डिप्लेशन इन वाटर बॉडीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 110 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बॉन्ड डिजीज,
ऑप्शन बी कॉलरा इज ए वाटर बॉर्न डिजीज। 111 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू नॉइस एंड नॉइस पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए पी ए जेट प्लेन इज वन ऑफ द हाइस्ट डेसिबल सोर्सेज ऑफ नॉइस। ठीक है, 112 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। ऑप्शन बी डेसिबल। 130 नंबर क्वेश्चन है, जीरो डेसिबल, तो आपका जीरो डेसिबल क्या है? ऑप्शन नंबर थ्रेशोल्ड पॉइंट ऑफ थ्रेशोल्ड पॉइंट फॉर ईयरिंग। ठीक है, तो जीरो डेसिबल इज थ्रेशोल्ड पॉइंट फॉर ईयरिंग। 114 नंबर क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज द टर्म ग्रीन मफलर एसोसिएटेड। तो विथ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज द टर्म ग्रीन मफलर एसोसिएटेड। ऑप्शन डी नॉइज पॉल्यूशन। 115 नंबर क्वेश्चन है, नेचुरल फेनोमेनन, तो ये नेचुरल फेनोमेनन दैट बिकम्स हार्मफुल ड्यू टू पॉल्यूशन। ऑप्शन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो नेचुरल फेनोमेनन दैट बिकम हार्मफुल ड्यू टू पॉल्यूशन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन है, द पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर इज द पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर। ऑप्शन नंबर सी सीएफसी। द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज ऑप्शन डी रिसाइकलिंग। ठीक है, 118 क्वेश्चन नंबर है, एनिमल डंग इज ऑप्शन नंबर बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपका कौन इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल है? ऑप्शन बी नाइलॉन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैज द पोटेंशियल ऑफ पॉल्यूटिंग द अर्थ टू डेंजरस लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी और इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली। तो ऑप्शन नंबर सी रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैज द पोटेंशियल ऑफ पॉल्यूटिंग द अर्थ टू डेंजरस लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। 120 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ऑयल स्पिल। 122 है, बीओडी स्टैंड फॉर, तो बीओडी किसके स्टैंड? ऑप्शन नंबर ए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। 123 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर। ऑप्शन बी यूवी रेडिएशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर। तो ऑप्शन नंबर बी यूवी रेडिएशन। 124 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू नॉर्मल प्लास्टिक वेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू नॉर्मल प्लास्टिक वेस्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इट इज बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इट इज बायोडिग्रेडेबल। ये आपका ट्रू नहीं है, बाकी सही है। इट क्लॉक्स द सीवेज सिस्टम एंड बर्निंग रिजल्ट इन टॉक्सिक फ्यूम। ये आपका तीनों सही है, बाकी आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, 125 है, एसिड रेन इज फॉर्म्ड बाय। तो एसिड रेन कैसे फॉर्म करता है, कैसे इसका बनता है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल एयर पॉल्यूटेड विद एटमोस्फेरिक वाटर ड्रॉपलेट्स। 126 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन। तो कौन सा इम्पैक्ट नहीं है, प्रभाव नहीं डालता एसिड रेन का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉइल एल्कलिनिटी। तो सॉइल एल्कलिनिटी आपका ये गलत है। ठीक है, इस प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाकी सब पर प्रभाव पड़ता है एसिड रेन का। द डेथ ऑफ ट्रीज, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट एंड डेथ ऑफ फिश इन लेक्स एंड पॉन्ड। ठीक है, ये आपका चीन सही है। 127 है, इन ए लेक पॉल्यूटेड विथ पेस्टिसाइड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड एज ए रिजल्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी बिग फिश। इन ए लेक पॉल्यूटेड विथ पेस्टिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड एज ए रिजल्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिग फिश। ठीक है, 130 नेम द प्रोसेस इन विच ए हार्मफुल केमिकल इंटर्स द फूड चेन एंड गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड एट इच लेवल इन फूड चेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बायोमैग्निफिकेशन। तो नेम द प्रोसेस इन विच ए हार्मफुल केमिकल इंटर्स द फूड चेन एंड गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड एट इच लेवल इन द फूड चेन, बायोमैग्निफिकेशन। 131 है, कम्बस्टन, तो कम्बस्टन ऑफ मोस्ट फ्यूल रीजन, तो कम्बस्टन ऑफ मोस्ट फ्यूल रीजन ऑप्शन नंबर CO2। ठीक है, 132 है, द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग fuels can help in reduction of air pollution. Option C, CNG. The use of which of the following fuels can help in the reduction of air pollution? Option C, CNG. 133. Which of the following organism is the main
इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द मेन इंडिकेटर फॉर सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, ऑप्शन में बी लाइक इट, ठीक है। 134 है पेट्रोल इंजन, तो पेट्रोल इंजन रिलीजेस गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, तो पेट्रोल इंजन रिलीज गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। 135 है कवर्ड अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन द टॉक्सिक इज नोन, द टॉक्सिक इज ऑल्सो नोन एज एजेंट ऑरेंज, इट वॉज स्प्रेड बाई द यूएस फोर्स ड्यूरिंग वियतनाम वॉर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट कवर, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज बीइंग रेफर टू इन द अबव स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर एट डायोक्सिन, ठीक है, तो डायोक्सिन होगा, ठीक है। 136 है द बेस्ट डिस्टिंग्विशर, द बेस्ट डिस्टिंग्विशर इन फॉर इनफ्लेमेबल मटेरियल, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी CO2, द बेस्ट डिस्टिंग्विशर फॉर इनफ्लेमेबल मटेरियल CO2। 137 है CO2 इज स्टोर्ड एज ए लिक्विड इन सिलेंडर, तो CO2 इज स्टोर्ड इन स्टोर्ड एज ए लिक्विड इन सिलेंडर, ऑप्शन नंबर हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर होगा। 138 है क्वेश्चन आपका 138 है द बेस्ट वे टू डिस्पोज प्लांट वेस्ट इज, द बेस्ट वे टू डिस्पोज प्लांट वेस्ट इज ऑप्शन नंबर बी कंपोस्टिंग, ठीक है। 139 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंसेस इन द नाइट्रोजन साइकिल, तो ऑप्शन नंबर डी ओजोन डिप्लेशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंसेस इन द नाइट्रोजन साइकिल, ऑप्शन नंबर डी ओजोन डिप्लेशन, ठीक है, तो ये आपका ओजोन डिप्लेशन जो कि नहीं है मेजर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी आपका ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू रिलीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड सही एसिडेंट है और यूट्रोफिकेशन है, ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ग्रीन हाउस गैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ग्रीन हाउस गैस, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट ए मेजर ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड आपका है, वाटर वेपर आपका है और मीथेन आपका है, तीनों आपका सही है। 141 है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड इन 1987 वाज साइंड टू, ऑप्शन नंबर ए फेज आउट द यूज ऑफ CFCs व्हिच कॉज डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, ठीक है। 142 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द ग्रेटर यूवी रेडिएशन थ्रू द एटमोसफेयर ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज लीवर कैंसर, ये आपका गलत है, बाकी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द ग्रेटर यूवी रेडिएशन थ्रू द एटमोसफेयर ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, तो जो ना आपका ये आपका इंक्रीज स्किन कैंसर सही है, रिड्यूस इम्यून सिस्टम सही है और डैमेज टू आई, ये भी आपका सही है। 143 में क्वेश्चन है अनबर्नड कार्बन, तो अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स कॉसेस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स कॉसेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। 144 है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 आर राइट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो दे आर मेनली ड्यू टू incomplete combustion of fuel, they are more evident in petrol engine and long term exposure can cause nausea, ye aapka tino sahi hai, so they are mainly due to incomplete combustion of fuel and they are more evident in petrol engine and long term exposure can cause nausea. 145 according to WHO the maximum permissible level of chlorides in drinking water is 200 milligram per liter, theek hai. 146 which of the following body parts is most likely to be affected by nuclear radiation during the early stages of exposure, option C bone marrow. 147 which of the following terms is used to describe the phenomenon of removing carbon dioxide from nature by carbon sink, natural artificial, correct right answer option number B bio sequestration, theek hai, so which of the following terms is used to describe the phenomenon of removing carbon dioxide from nature by carbon sink, bio sequestration. 148 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू डिफ्लेक्ट द पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाउस गैस टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है। 149 है द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी फंगाई, द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन आर फंगाई। 150 है द गैस दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ इट्स क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी CO2, द गैस दैट इज मेनली responsible for global warming because of its quantity in the atmosphere CO2. 151 question number which of the following statement are true in the context of particulate matter, is option B 1, 2, 3 are right, so which of the following statement are true in the context of particulate matter, so it is basically a mist, a more prevalent during winter weather
and it is more prevalent. So it is more prevalent in diesel engine vehicle. Long term exposure can have respiratory tract and lung function. 152 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बता रहा है लिस्ट वन को लिस्ट दो से मिला है, तो लिस्ट वन आपका एक्ट है और लिस्ट आपका ईयर है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, इसका आपका जो है 1974 में इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। ईयर प्रोसिक्यूशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन आपका 1981 में इसको लाया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, एनवायरमेंटल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, ठीक है। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1974 में, एयर प्रोसिक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1981 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972 में, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 में लाया गया था, ठीक है। 153 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डिपॉजिटेड इन टू द एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम व्हेन यूज्ड इन इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑप्टिमम नाइट्रोजन। 154 है डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल, तो डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कॉसेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ सम सी चेंज इन क्लाइमेट, ठीक है। द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कॉसेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट, डिप्लेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक लाइफ एंड द इंपेयरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। 155 है द रूल्स पर्टेनिंग, द रूल्स पर्टेनिंग टू बायो मेडिकल वेस्ट इंडिया आर नोटिफाइड अंडर ऑफ सम सी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1987। द रूल्स पर्टेनिंग टू बायो मेडिकल वेस्ट इंडिया आर नोटिफाइड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। 156 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ऑप्शन नंबर है इंसिनरेशन, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी, ए ऑप्शन में इंसिनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 157 है फर्टिलाइजर्स कैन बी, तो फर्टिलाइजर्स कैन बी वॉश्ड इन टू रिवर्स बाई रेन लीडिंग टू, तो ऑप्शन नंबर बी यूट्रोफिकेशन, तो फर्टिलाइजर्स कैन बी वॉश्ड इन टू रिवर्स बाय रेन लीडिंग टू यूट्रोफिकेशन, ठीक है। 158 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट, तो आपका इसमें से कौन एयर पॉल्यूटेंट नहीं, ऑप्शन नंबर डी ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो बाकी आपका ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है। 159 क्वेश्चन नंबर द ग्रेजुअल बिल्डअप, द ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल्स एज दे ट्रांसफर थ्रू हायर लेवल्स ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर है बायो मैग्निफिकेशन। द ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल एज दे ट्रांसफर थ्रू हायर लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। 160 नंबर क्वेश्चन है स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन इज ए ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम, ऑप्शन नंबर बी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन इज ए ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है। 161 क्वेश्चन नंबर द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल, द प्रेजेंस ऑफ हाई एल्गल कंटेंट इन वाटर इंडिकेट दैट वाटर इज, ऑप्शन नंबर सी एसिडिक, द प्रेजेंस ऑफ हाई एल्गल कंटेंट इन वाटर इंडिकेट्स दैट वाटर इज, ऑप्शन नंबर सी एसिडिक। 162 क्वेश्चन नंबर है वेन फ्लूराइड, तो वेन फ्लूराइड कंसेंट्रेशन इन वाटर एक्सेड 1.5 मिलीग्राम पर लीटर और सो दैट डिजीज दैट मे बी कॉल्ड इज, ऑप्शन नंबर है फ्लूरोसिस, ठीक है। तो फ्लूरोसिस बोलते हैं, तो वेन फ्लूराइड कंसेंट्रेशन इन वाटर एक्सेड 1.5 मिलीग्राम पर लीटर और सो दैट डिजीज दैट मे बी कॉल्ड इज फ्लूरोसिस, ठीक है। 163 में क्वेश्चन है द सेफ परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फेट इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी 200 मिलीग्राम पर लीटर, द सेफ परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फेट इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई 200 मिलीग्राम पर लीटर। 164 है सिलिकॉसिस, तो सिलिकॉसिस इज कॉज इन द, ऑप्शन नंबर स्टोन क्रशर, तो सिलिकॉसिस इज यूज इन द स्टोन क्रशर, ठीक है। 165 क्वेश्चन नंबर आपका द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या आपका, तो आपका सन है, ठीक है। 166 है द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, तो द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन न्यूक्लियर फ्यूजन, आपका क्वेश्चन 167 है फोटोस्फेयर रेफर्स टू, तो आपका फोटोस्फेयर रेफर्स टू द विजिबल सर्फेस ऑफ द सन फ्रॉम वेयर द रेडिएशन इमेनेट्स, ठीक है। तो विजिबल सर्फेस ऑफ द सन फ्रॉम वेयर द रेडिएशन इमेनेट्स, ठीक है, ये आपका सही है। 168 में क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज 24.16% ऑफ इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज शोन मैक्सिमम इंक्रीज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर एज पर द रिपोर्ट, तो आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आपका पुराना डाटा है, ठीक है, तो आपका 2015 का डाटा है, ठीक है, अभी आपका 2022 का डाटा अलग होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है करंट में, ठीक है। 169 क्वेश्चन नंबर है द मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स इन इंडिया इज कॉज बाय, ऑप्शन नंबर डी एग्रीकल्चर, द मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स
इन इंडिया इज कॉल्ड बाय ऑप्शन नंबर डी एग्रीकल्चर। 170 नंबर क्वेश्चन है बिटुमेन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो बिटुमेन इज ऑब्टेन फ्रॉम तो ऑप्शन नंबर सी क्रूड ऑयल, तो बिटुमेन इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रूड ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 171 है द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर ए डेट्स फॉर। 172 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रीजन दैट सोलर एनर्जी कुड नॉट बिकम ए वायबल अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, इट नीड्स कंटिन्यूअस सोलर रेडिएशन, सोलर पावर प्लांट नीड ए लॉट ऑफ स्पेस एंड इट इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। आपका तीनों सही है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रीजन दैट सोलर कुड एनर्जी कुड नॉट बिकम ए वायबल अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, इट नीड्स कंटिन्यूअस सोलर रेडिएशन, सोलर पावर प्लांट नीड्स ए लॉट ऑफ स्पेस एंड इट इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। 173 में कुछ ना 173 में कुछ होगा डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन एटमोस्फेयरिक कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज, तो इसका ऑप्शन बी ऑल ऑफ द अबव, तो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन एटमोस्फेयरिक कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज डिकेइंग ट्रीज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिविंग ट्रीज रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर बाय फोटोसिंथेसिस एंड बर्निंग वुड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमोस्फेयर। 174 है थर्मल पावर, तो थर्मल पावर जनरेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय बर्निंग ऑप्शन बी कोल। ठीक है, 175 है द फ्यूल यूज्ड इन द कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। ठीक है, 126 है द कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू इज बेसिकली अबाउट ऑप्शन नंबर ए फ्यूल एफिशिएंसी, तो कैलोरीफिक वैल्यू इज बेसिकली अबाउट फ्यूल एफिशिएंसी। 177 है द न्यूक्लियर फ्यूल यूज्ड इन द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऑप्शन नंबर डी थोरियम। ठीक है, 178 है न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिलेशंस हैपन स्पॉन्टेनियसली, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हैपन्स स्पॉन्टेनियसली द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। 179 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, आपका ऑप्शन बी कोल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, आपका कोल आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है, बाकी आपका सोलर और वेव ऑफ विंड है। ठीक है, 180 है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ मेटल विच आर यूज मेनली इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज ऑप्शन नंबर चाइना। 181 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉसेस द लीस्ट पॉल्यूशन वेन बर्न, ऑप्शन बी नेचुरल गैस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉसेस द लीस्ट पॉल्यूशन वेन बर्न, ऑप्शन नंबर डी नेचुरल गैस। विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू, ऑप्शन नंबर ए केमिकल एनर्जी, तो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। 183 है डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द रिसेंट डिकेड हैज लेड टू, ऑप्शन नंबर ए ऑल ऑफ द अबव, तो डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द रिसेंट डिकेड हैज लेड टू द ऑप्शन सॉइल इरोजन लैंडस्लाइड एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, 184 है इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर रिएक्शन, इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, 185 है केमिकल वेदरिंग, तो केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन, तो ऑप्शन नंबर ए हाई टेम्परेचर, तो केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन हाई टेम्परेचर। ठीक है, 186 में क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट दैट इंटेंड्स टू सेट अप एनवायरमेंट कोर्ट्स इन द कंट्री इनएक्टेड, तो ऑप्शन नंबर डी 2010 में। ठीक है, 187 क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज कैन लास्ट इंडिफिनिटली और फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम ड्यू टू जुडिशियस यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज कैन लास्ट इंडिफिनिटली और फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम ड्यू टू जुडिशियस यूज, ऑप्शन नंबर बी रिन्यूएबल। ठीक है, 188 नंबर क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, तो लिस्ट वन आपका टाइप ऑफ कोल और लिस्ट टू आपका कार्बन कंटेंट है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, तो पीट का आपका 50-60%, लाइट लिग्नाइट ब्राउन का आपका 70%, बिटुमिनस का आपका 80% और आपका एंथ्रासाइट का 90-95% होगा। ठीक है, तो आपका टाइप ऑफ कोल, तो पीट कोल में आपका कार्बन 50-60% होता है, लिग्नाइट ब्राउन कोल में 70%, बिटुमिनस कोल में कार्बन कंटेंट 80% और एंथ्रासाइट में आपका 90-95% कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, 189 में क्वेश्चन है द इंक्रीज्ड वाटर डिमांड इन द सिटीज कैन बी बेटर मेट बाई, ऑप्शन बी अडॉप्शन ऑफ कंजर्वेशन मेजर। ठीक है, द इंक्रीज्ड वाटर डिमांड इन द सिटीज कैन बी बेटर मेट बाई अडॉप्शन ऑफ कंजर्वेशन मेजर। ठीक है, 190 में क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर ए कोल इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, 191 है विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट एन इनएग्जॉस्टिबल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज, तो ऑप्शन नंबर डी नेचुरल गैस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर डी नेचुरल गैस, ठीक है। 192 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी सन इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कोल जो था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और आपका जो है यहाँ पर सन इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। 193 है बायोगैस इज, तो बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ एनोरोबिक ब्रेकडाउन एंड फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, ऑप्शन नंबर मीथेन। तो बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बायो प्रोडक्ट ऑफ एनोरोबिक ब्रेकडाउन एंड फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। 194 नंबर क्वेश्चन है बायोगैस इज, तो आपका बायोगैस का ऑप्शन नंबर है 50-70% ऑफ मीथेन, ठीक है। 195 नंबर क्वेश्चन, द टॉलेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन, द टॉलेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन, ऑप्शन नंबर ए इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। 196 है ये ज्योग्राफिक, तो ये ज्योग्राफिक यूनिट डैट कलेक्ट स्टोर्स एंड रिलीजेस वाटर इज, ऑप्शन बी वाटर शेड, तो ये ज्योग्राफिक यूनिट डैट कलेक्ट स्टोर्स एंड रिलीजेस वाटर इज, ऑप्शन नंबर बी वाटर शेड। 197 है द बिगेस्ट फ्रेश वाटर, द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज, ऑप्शन नंबर ए रूलर, द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज, ऑप्शन नंबर ए रूलर लेक। 198 है द लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व इन द वर्ल्ड आर, द लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व इन द वर्ल्ड आर इज, ऑप्शन नंबर इंडिया। 199 है फ्रेश वाटर अचीव, तो फ्रेश वाटर अचीव इट्स ग्रेटेस्ट डेंसिटी एट, ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस, तो फ्रेश वाटर अचीव इट्स ग्रेटेस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉयटेड मोस्ट इकोनॉमिकली, ऑप्शन नंबर इज सोलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कैन बी एक्सप्लॉयटेड मोस्ट इकोनॉमिकली, ऑप्शन नंबर ए सोलर, ठीक है। 201 नंबर क्वेश्चन, बॉग इज, तो बॉग इज ए वेटलैंड डैट रिसीव वाटर फ्रॉम, ऑप्शन नंबर सी रेनफॉल ओनली, तो बॉग इज ए वेटलैंड डैट रिसीव वाटर फ्रॉम रेनफॉल ओनली, ठीक है। तो आज का आपका जो है सेट यहीं पर कम समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो आपका जो है हमने आपका जो क्वेश्चन नंबर 200 तक कर लिया, ठीक है। तो आपका आज तक आज के लिए बस इतना ही, कल हमारा जो है मार्च महीने का सेट नंबर 12 होगा, ठीक है। तो मार्च महीने का सेट नंबर कल 12 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और जिन बच्चों को शुरू से आपको देखना है, ठीक है, तो जिन बच्चों को शुरू से आपका जो है मॉक टेस्ट या फिर आपका जो भी सेट प्रैक्टिस हमने यहाँ पर करवाया, तो क्योंकि आपका टोटल 60 वीडियो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, तो आपका यूवी एकेडमी का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको यहाँ पर मिल जाएगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और लगभग इसमें आपका 5000 क्वेश्चन है, ठीक है, तो जहाँ से आप आराम से 80+ आपका पेपर में आने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।